सतपुरा महादेव की लगातार हम आपको ये जो कवरेज है वो दिखा रहे हैं, जहाँ आज महाशिवरात्रि का पर्व है और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आज सनातनी धर्म के जो लोग हैं वो भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये चार चौवन व्यवस्थाओं के बीच सफाई किस तरीके चल रही है और यहाँ भारी संख्या में जलाभिषेक हो रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा ये पूरा महादेव का मंदिर है जहाँ जलाभिषेक देखा जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले ये गर्भगृह है कि किस तरीके से यहाँ जलाभिषेक देखने को मिल रहा है। ये चारों तरफ से ये भगवान आशुतोष का जो शिवलिंग है उसको घेरे हुए हैं लोग, यानी साफ तौर पर देवी प्रसाद दे रहे हैं और इस तरीके से भारी संख्या में यहाँ ये हम आपको चल रहा है, पूजा हो रही है, अपने आप में बच्चे बूढ़े जवान लड़के लड़कियाँ तमाम लोग यहाँ भक्तों में सराबोर है और चारों तरफ देख सकते हैं कितना उत्साह भक्तों में दिख रहा है और दर्शन कर रहे हैं। उत्साह की अपनी परिभाषा ये आप देखते हैं, देख सकते हैं चार शुभ व्यवस्थाओं के बीच ये व्यवस्थाएं हो रही हैं। देखे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव जनादेश और भास्कर टुडे के माध्यम से किस तरीके से भोलेनाथ आशुतोष के दर्शन के अभिलाषी तो ये घंटों से लाइनों में अब ये यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं और जिस तरीके से इनमें जोश जुनून साफ तौर पर भक्तों में दिख रहा है। हाँ बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से भगवान आशुतोष का यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और माथा टेक रहे हैं। एक बड़ी आपको के बीच जो यहाँ दर्शन है अलौकिक दर्शन ये देख रहे हैं सिर्फ आप अपने कैमरे से और अलौकिक दर्शन के नजारे लाइव, बिल्कुल लाइव दर्शन है ये के। और कहीं ना कहीं जो भक्ति है उस सराबोर है किस तरीके से यहाँ देखी जा रही है और भगवान आशुतोष के दर्शन और माथा देखने के लिए यहाँ लोगों में या भक्तों में जोश दिख रहा है। जो घंटों से हमने लाइन बारी का इंतजार कर रहे थे आखिर उनका नंबर आ ही गया और किस तरीके से भगवान आशुतोष का ये दर्शन कर रहे हैं और अपने आप में एक बड़ी मान्यता है सनातन धर्म में आज के दिन मानी जाती है। और खीर पताशे प्रसाद फूल भांग धतूरा और तमाम गंगा जल से भगवान आशुतोष का जल अभिषेक कर रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं भगवान के आशुतोष के जो शिवलिंग है उनके दर्शन करने के लिए जो घंटों से लालाहित थे अब वो फिलहाल यहाँ पहुँचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये लाइन उधर से आ रही है सीधे यहाँ से यहाँ भारी प्रशासन मौके पर और चार स्वर्ण व्यवस्थाओं के बीच ये जलाभिषेक कर रहा है। जिस तरीके से जलाभिषेक है हो रहा है ये सुबह 2 बजे से बताया जा रहा है और देर रात तक ये जलाभिषेक चलेगा और जो भक्तों में साफ तौर पर आपने देखी है चार स्वर्ण व्यवस्थाओं के बीच जिस तरीके से यह जलाभिषेक हो रहा है ये बड़ी मान्यता है और बड़ी पौराणिक जो इतिहास चला हुआ आ रहा है उसकी एक बड़ी मिसाल है और बाकी जो प्रशासन है उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं रही हैं वो चाक चौबंद रही हैं। कैमरा सहयोगी साथ मैं देवेंद्र चौहान भास्कर टुडे।